सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत करना। आज की ये वाली वीडियो अपडेट के ऊपर बेस है, सही है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी नया अपडेट आता है तो साथ में गेम लूप की सेटिंग्स भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी अपडेट आते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं, सही है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ, जब कारपेट वाला इवेंट आया था तो हमने गेम लूप की सेटिंग्स कुछ यू रखी थी, सही है। और जब 3.2 अपडेट आया जिसमें लोहे का लुल्ला भी था, सही है, तो उसमें हमने कुछ यू रखी थी, सही है। अब ये वाला अपडेट है तो हमने इसमें सेटिंग्स क्या रखनी है और अपने पीसी को कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि हमारा गेम लैग ना करे और स्टटर भी फिक्स हो जाए, सही है। स्टटर मतलब थोड़ा बहुत वो फील होता है कि यार गेम लैग होता है और स्मूथनेस नहीं रहती है, एम को ट्रांसफर करने में भी स्मूथनेस नहीं होती। तो जैसा कि आप सब लोग मेरे गेम प्ले को देख सकते हैं कितना स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कोई मोशन ब्लर नहीं लगाया, सही है। सिमिलर एज इट इज जिस तरह वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसी तरह मैंने वीडियो एक्सपोर्ट किया, उतनी FPS में 60 FPS में रिकॉर्ड हुई है और 60 FPS में एडिट होके एक्सपोर्ट हुई है, सही है। और आप लोग देख सकते हैं कि 50 बंदा आए तो गेम थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं, बट इतना भी लैग नहीं कर रहा। FPS मेरे से भूल गया कि आप लोग को शो करवाऊं, और अभी बहुत रात हो चुकी है तो मैं गेम और नहीं खेलना चाहता, गेम मैंने बंद कर दिया, थक चुका हूं, वीडियो बनाने का मन है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और फुल देखना, मैं आप लोगों को सेटिंग्स सिखाता हूं कि क्या क्या रखनी है। और रुको, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल चुका हूं, इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 500 लाइक्स। अगर आप लोगों का लाइक फिक्स हो जाए तब आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और 100 कमेंट का एम रखते हैं, सही है। अगर आप लोगों का लाइक फिक्स हो जाए, हल्का फुल्का सा भी हो जाए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट देना, सही है। और आप लोग वीडियो देखो, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दो सॉफ्टवेयर का लिंक दिया होगा, पार कंट्रोल और क्विक सीपीयू, ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है। और CMD का कमांड भी होगा, तो वो भी आप लोगों ने चेक आउट करना है, सही है। मैंने कमेंट सेक्शन में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं, क्योंकि कॉपीराइट आने का सिचुएशन हो सकता है, सही है। तो आप लोगों ने पहले पार कंट्रोल को डाउनलोड कर देना है और इंस्टॉल कर देना है, बस सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, सही है। इस तरह आएगा आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने अल्टीमेट परफॉर्मेंस को किस तरह इनेबल करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों को वो एक कोड दिया होगा, CMD कमांड नाम होगा उसका, सही है। तो आप लोगों ने CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर देना है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद आप लोगों ने वो कोड आराम से यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और एंटर दबा देना है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस, सही है। तो मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है, तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों के साथ ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके ये सारे ऑफ कर देने, सही है, और मैक एक्टिव कर देना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर क्विक सीपीयू होगा, तो क्विक सीपीयू को आप लोगों ने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर देना है। सिंपली इंस्टॉलिंग में भी वही मेथोडोलॉजी होगी, सही है, इंस्टॉल करते जाना है, सही है। जब इंस्टॉल हो जाए तो आप लोगों ने क्विक सीपीयू को ओपन कर देना है और यहाँ पे ये सारे इस तरह होंगे आपके, तो आप लोगों ने इसको इतना हाई कर देना है सबको और ये परफॉर्मेंस ऐसी कर देना है और अप्लाई कर देना है, सही है, क्लोज कर देना है इसको। अभी यहाँ पे हमारे सिर्फ दो सेटिंग्स रह गए, सही है, एक गेम लूप की और एक गेम लूप के इंजन की, सही है। गेम लूप इंजन मतलब ये गेम लूप का इंजन है, सही है। तो गेम लूप की फर्स्ट सेटिंग्स बता देता हूँ, आप लोगों ने सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे बेस में सारे ऑफ, इंजन में ये वाला एनेबल, ये डिसेबल कर देना है, ये भी डिसेबल, ये वाला एनेबल, ये वाला और वर्टिकल सिंक भी एनेबल कर देना है और ऑटो कर देना है, सही है। और एंटी लेसिंग ऑफ, मेमोरी आपकी मर्जी ऑटोमेटिक या फुल, प्रोसेसर आपकी मर्जी ऑटोमेटिक या फुल, DPI आप लोगों की मर्जी, इससे कोई लैग में असर नहीं होता, सही है। और रिजोल्यूशन हर बंदे का डिफरेंट होता है, मैं 1280p खेलता हूँ, बहुत ज्यादा लोग मेरे से पूछते भी है, सही है, इसके बारे में। अब यहाँ पे आप लोगों का ये ऑडियो चैनल ये वेव आउट होगा, आप लोगों ने वेव आउट से डायरेक्ट साउंड कर लेना है, क्योंकि इसमें भी वो आप लोगों को फील होगा, डिले फील होगा, सही है। मॉडल में आप लोग कस्टमाइज कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने ASUS रख देना है और फिर ASUS Z010T रख देना है, ये मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, मॉडल का भी, सही है। आप लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है और गेम में अगर आप लोगों के साथ 2GB का कार्ड हो तो आप लोगों ने 720p कर देना है, 3GB का कार्ड हो या 4GB का कार्ड हो तो 1080p कर देना है, सही है। और 6GB का कार्ड हो तो 2K कर सकते हो, सही है। 8GB का कार्ड हो तो आप लोगों ने 2K+HD रख देना है, 6GB का कार्ड हो तो ऑटोमेटिक करना है, सही है, इससे काफी स्मूथ चलेगा आप लोगों का गेम। और FPS डिफॉल्ट रख देना है, सही है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गेम लूप के इंजन की सेटिंग्स, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है, तो नीचे आओगे तो यहाँ
यहाँ पे आप लोगों को अबाउट टैबलेट दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और बिल्ड नंबर पे सर 7-8 मरतबा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके ये स्टे अवे को ऑन कर देना है। HTTP चेकिंग को नेवर चेक करना है, सही है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट ये भी ऑफ कर देना है, सही है। और यहाँ पे लोगर बफर साइज इसको ऑफ कर देना है, सही है। ट्रांजिशन एनिमेटेड स्केल्स ये आप लोगों की मर्जी, इनको अगर आप लोग 1x करते हो या ऑफ करते हो कोई मसला नहीं। स्मॉलेस्ट स्ट्रिप आप लोगों की मर्जी, कोई मसला नहीं है। अब पहले हम क्या करते थे, 4GB को हम लोग इनेबल कर देते थे जिससे गेम स्मूथ चलती थी। अब इसका सीन क्या है, अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो गेम स्मूथ होती है बट स्टटर फील होता है, सही है। बंदे हो या ना हो, एक दो बंदे भी तेरे सामने हो, सही है, और आप उसको मारने की ट्राई करोगे तो आपको एमिंग करने में थोड़ा स्टटर फील होगा, लैग फील होगा। तो आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना है, सही है। और बाकी कोई सेटिंग्स नहीं है। और GPU NVIDIA की सेटिंग्स दिखा देता हूं। अगर आप लोगों के साथ AMD ग्राफिक कार्ड है तो I am so sorry, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मेरे दोस्त के साथ AMD का ग्राफिक कार्ड है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कर दूंगा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, अगर ना हो सके तो I am sorry। तो आप लोगों ने कंट्रोल पैनल में आ जाना है, सही है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, सही है, ब्राउज कर देना है और यहाँ पे अपना गेम लूप को ऐड करना है। आप लोगों ने लोकेशन किस तरफ फाइंड करनी है, यहाँ पे गेम लूप के ऊपर राइट क्लिक करके ऊपर फाइल लोकेशन में जाना है, TXGM असिस्ट में जाना है, UI पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना है और इसको कंट्रोल सी कर देना है और फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है और ओपन कर देना है। तो बैठ किधर गया बेंच, ये आया, ये एंड्रॉइड एमुलेटर EN यहाँ पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर देना है, सही, EN वाला। और आप लोग मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो, अगर आपने इसको ऑन रखना है या ऑन नहीं रखना कोई मसले वाली गालिच नहीं है। देखो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अगर आप लोगों का गेम फिर भी लैग हो रहा है, सही है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ आ जाना है गेम लूप में और यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाने, इंजन में आने और इनमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है, सही है। आप लोगों ने इसको ऑफ करके इसको इनेबल कर देना है, फिर गेम को टेस्ट करना है। अगर गेम लैग हो रहा हो तो फिर इसको ऑफ कर देना है, सही है, फिर जाके टेस्ट करना है। अगर फिर भी गेम लैग हो रहा हो तो इन सबको इनेबल कर देना है, सही है। और अगर फिर भी गेम लैग हो रहा हो तो फिर इसको ऑफ कर देना है और इसको ऑफ कर देना है, फिर गेम को टेस्ट करो, सही है। अगर गेम स्मूथ चले तो आप लोगों ने फिर इन सेटिंग्स के ऊपर रह जाना है, सही है। तो बस यार आज की वीडियो में इतने ही था, अगर वीडियो पसंद आई है लैग थोड़ा सा भी फिक्स हो हुआ अभी लाइक मत करना, गेम को टेस्ट करना, लैग फिक्स हो गया हो तो फिर आ जाना, सही है, और मेरे वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।